ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। खबर एटा से, जहां उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद एटा जिले में शासन के निर्देश के बाद बीएसए ने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्रों समेत विभिन्न कागजातों की जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, एक नाम और एक ही पैन कार्ड पर दो जिलों में हो रहे वेतन भुगतान के मामले का खुलासा भी बीएसए संजय कुमार ने किया। उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एटा जिले का शिक्षा विभाग भी इससे अछूता नहीं है। शासन के निर्देश के बाद बीएसए संजय कुमार ने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्रों समेत विभिन्न कागजातों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा 5 शिक्षकों को टर्मिनेट कर उनसे वेतन रिकवरी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, एक नाम और एक ही पैन कार्ड पर दो जिलों में हो रहे वेतन भुगतान के मामले का खुलासा भी बीएसए संजय कुमार ने किया। दरअसल एटा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार, जिले के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं का शासन से निर्देश मिले हैं कि वेरिफिकेशन कराने के बाद शिक्षकों को सैलरी जारी की जाती है। वेरिफिकेशन में कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसकी गहराई से जांच की जा रही है। इसमें पुनः सभी कार्यरत अध्यापकों की एक एक कर वेरिफिकेशन कराई जा रही है। शिक्षक शिक्षिकाओं के वेरिफिकेशन के दौरान एक तरफ जहाँ उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जाँच होगी, उसके अलावा आधार कार्ड, पैन नंबर, निवास प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन भी जांच की जा रही है। इसमें जो भी फर्जी पाया जाएगा उसको बर्खास्त कर उससे वेतन के रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सारे शिक्षकों की जो मार्कशीट है या जो भी उनके प्रपत्र है वो जांच होगी। कैसे जांच कर रहे हैं और कब तक की प्रक्रिया अपने आप पूरी होने की उम्मीद है? इसमें जो शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है, इसमें हम लोग जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे पैन नंबर हो, चाहे आधार नंबर हो और पुलिस वेरिफिकेशन हो, इसके साथ ही साथ हम लोग इनके जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, बहुत सारे जो ऑनलाइन होने हैं सत्यापन, उनका ऑनलाइन सत्यापन कराया जा रहा है और जो ऑफलाइन सत्यापन होने हैं उनको भी हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों का भेज दिया है सत्यापन के लिए, और ये सत्यापन करीब महीने दिन के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। और इस पर जो भी इसमें जो भी हम लोगों के इसमें असत्य पाया जाएगा या फर्जी पाया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, ये अभी जो है कुछ लोगों की SIT जांच हो रही थी, कुछ 120 टीचर थे अपने यहाँ, उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है और कार्रवाई क्या हुई है? तो इसमें हमने जो कार्रवाई 120 लोगों के खिलाफ तो बहुत पहले ही कर दिया था। इसमें सारे लोग इसके ले आए थे, लेकिन इसके बाद कोर्ट में लगातार, माननीय उच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई हुई इसकी। इसके बाद 2853 लोगों की वहां से एक सूची जारी हुई है, जिसमें से प्रत्येक जनपद को यह निर्देश दिया गया था कि इसमें से अपने जनपद में जो SIT जांच में जो टीचर हैं उनको आइडेंटिफाई करना था। इसमें हमारे जनपद में 5 लोग मिले हुए हैं, बाकी सूची अभी जारी होनी है। उसमें से जो भी हम लोगों के यहाँ मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। 5 जो शिक्षक मिले हैं इनको बहुत पहले हमने FIR भी करा दिया था और टर्मिनेट भी कर दिया गया था, और इसके बाद इनके रिकवरी का भी आदेश लेखाधिकारी को जारी कर दिया गया है।